बच्चों, हाउ आर यू ऑल? ओके बेटा, लास्ट जो वीडियो थी हमारी बिजनेस स्टडीज़ में, वो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर थी, दैट वाज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और अब हम सेकंड चैप्टर जो है हमारा, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब हम उसको डिस्कस करेंगे बेटा। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, तो चैप्टर के हम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो चैप्टर में देखो नाम आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल ये प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये प्रिंसिपल जो है वो सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, PRINCIPLE। अगर PAL हो गया तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारे वो प्रिंसिपल होंगे जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, है ना। पर ये प्रिंसिपल कौन सा है, जो हमारे खुद के प्रिंसिपल हैं, हमारे सिद्धांत, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो हम यहाँ पर जो हमारे खुद के प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो खुद के फंडामेंटल्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या, तो प्रिंसिपल इज़ अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या है बेटा ये, इट इज़ अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। ध्यान देना बेटा कि प्रिंसिपल्स क्या, हमारे हमारे फंडामेंटल्स हैं, हमारे क्या हैं, एक हमारे स्टेटमेंट्स हैं जो हमें क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, किसके लिए, हमारे थॉट्स के लिए एंड हमारे एक्शंस के लिए, कि हम जो सोच रहे हैं और जो एक्शन ले रहे हैं वो किसके बेस पे लेंगे, हमारे सिद्धांत के ऊपर। और हमें हमें पता है कि दुनिया में हर एक इंसान के कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसके सिद्धांत होते हैं जिनके बेस पर वो चलता है ना। हर एक इंसान एक सिद्धांत को फॉलो करता है, अपने एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। वो प्रिंसिपल क्या करते हैं उसको, वो जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उसको। गाइडेंस किन सेंस में, कि क्या ये काम मेरे लायक है, क्या ये काम को मैं कर रहा हूँ वो सही काम है या नहीं है। अब देखो, चोर चोरी करता है, वो उसके प्रिंसिपल्स उसको बता रहे हैं। पर एक जो नॉर्मल एक इंसान है, अगर वो चोरी करेगा तो शायद उसके प्रिंसिपल उसको रोक देंगे, क्या बोलेंगे कि नहीं, ये तुम्हारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये तुम्हारा सिद्धांत नहीं है, तुम्हारा काम कुछ और है, ठीक है। तो हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन क्या होते हैं, उसके अपने प्रिंसिपल्स क्रिएट हो जाते हैं और वो उन्हीं प्रिंसिपल के बेस पर चलने की कोशिश करता है। उसी के बेस पर वो उसके थॉट्स चलेंगी, उसी के बेस पर उसके एक्शंस चलेंगे। क्लियर है बेटा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने बात किया हर एक इंसान के अपने अपने सिद्धांत हैं, अपने अपने प्रिंसिपल हैं। लाइकवाइज दैट मैनेजमेंट आल्सो हैव इट्स ओन प्रिंसिपल। मैनेजमेंट जो है उसके भी अपने कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रहेंगे। अब वो प्रिंसिपल उसके लिए क्या होंगे, दीज आर द प्रोट जर्नल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। देखो बेटा, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या बोलते हैं, वो उसके लिए जर्नल गाइडलाइंस हैं, किसके लिए, फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, कि जो डिसीजन मेकिंग करनी है फॉर द पर्पज़ ऑफ मैनेजमेंट, फॉर द पर्पज़ ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, वो किस तरीके से करनी है, वो गाइडलाइंस उनको प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो दे आर नथिंग, दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो रही है उसको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, नथिंग एल्स। ओके बेटा। हाँ जी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो बेटा, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका नेचर क्या है। देखो, नेचर हर एक चीज़ का अपना एक नेचर होता है ना। अगर हम चाय ले रहे हैं तो चाय का अपना एक नेचर है, दूध का अपना एक नेचर है, हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का अपना एक नेचर है। लाइकवाइज दैट जो मैनेजमेंट है उसका भी अपना एक नेचर है। क्या नेचर है, वो नेचर आपको दिख रहे हैं बेटा यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सेकेंड पॉइंट इज़ जनरल गाइडलाइंस, देन फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, देन फ्लेक्सिबल, देन मेनली बिहेवियल, देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इनको हम पढ़ते हैं बेटा, ये है क्या एक्चुअली में। तो जो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखो बेटा, जो मैनेजरियल प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं। आप उनको कहीं भी किसी भी टाइप की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करेंगे तो वो उसको डिसीजन मेकिंग देंगे, वो उसको गाइडलाइंस देंगे, वो उसको गाइडेंस को प्रोवाइड करेंगे। समझ रहे हैं, आप किसी भी टाइप की मैनेजमेंट ले लीजिए, उसके अंदर उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स रहेंगे जो उसको क्या करेंगे, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। फिर वो हम क्या बोल सकते हैं, वो मैनेजमेंट आपके एक स्मॉल लेवल पर है, मीडियम लेवल पर है, लार्ज लेवल पर है, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए है, ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए है, किसी भी बिजनेस के लिए है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, मतलब कहीं भी चले जाइए आप, आपकी जो ये प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी है वो एवरीवेयर आपको दिखेगी। हाँ जी,
सेकंड पॉइंट जर्नल गाइडलाइंस, जो मैं इसके पॉइंट में भी पहले बोल कर आया था कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, दे प्रोवाइड गाइडलाइंस, दीज आर द जर्नल गाइडलाइंस। ये हमारे ऊपर एक थोपी हुई चीज़ नहीं है कि यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब यहाँ पर मस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये दीज आर जस्ट गाइडलाइंस। ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू आइदर यू फॉलो दैट दिस गाइडलाइंस और नॉट। ठीक है, मतलब ये गाइडलाइंस हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, बट दीज आर द गाइडलाइंस विच प्रोवाइड यू गाइडेंस फॉर योर थॉट्स एंड एक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बेटा जो ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स है ना, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसका जो नेचर है वो क्या है कि इसका नेचर ये नहीं है कि हमने किसी ने भी कुछ भी नेचर बना दिया जैसे मर्जी बन करके ये आ गए। जो प्रिंसिपल हैं ये प्रॉपर फर्दर प्रैक्टिस के थ्रू आए हैं, प्रॉपर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है। लाइक हम आगे पढ़ेंगे FW टेलर है ना, हेनरी फ्योल, जो ये जो लोग हैं इन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन किया, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में गए वहाँ पर इन्होंने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर इन्होंने क्या किया, जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत जो मैनेजमेंट के निकाल के लेकर आए ये लोग, उनको उनको इन्होंने क्या किया, डिफाइन किया। तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल। अब बेटा जो ये नेचर है इसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये नहीं कि इसके अंदर रिजिडिटी है कि आपके पास ये एक प्रिंसिपल है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाउन चल जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट रिजिड इन नेचर, दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। आपके सामने सिचुएशन क्या है, आपके बिजनेस के सामने, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सामने सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को आपको कैसे डील करना है, ये सिर्फ उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, नथिंग एल्स। तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज़ मेनली बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर मतलब कि अब हमें पता मैनेजमेंट की हमने बात की, तो हमने बात की थी दिस मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्योर साइंस बट इट इज़ अ सोशल साइंस, मीन्स ये सोसाइटी के अंदर लिंक करता है, ये जो ह्यूमन इंडिविजुअल है उसके ऊपर फोकस करता है, मीन्स ये ह्यूमन जो ह्यूमन बींग्स हैं उसका जो बिहेवियर है उसके उससे लिंक करता है, तो इसका प्रिंसिपल भी डायरेक्टली उससे लिंक करेगा। तो अब मुझे पता है कि तीन मैनेजर हैं, तीनों मैनेजर जो अपने अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो तीनों का मैनेज करने का तरीका अलग होगा, तीनों के प्रिंसिपल्स जो होंगे ये सेम फॉलो करेंगे, पर उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो अलग निकल के आ सकता है। अब वो प्रिंसिपल एक है, लाइक मैं बोल रहा हूँ डिवीज़न ऑफ वर्क, कि वर्क को डिवाइड करना है, एक प्रिंसिपल तो है, पर उस प्रिंसिपल को वो यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। एक मैनेजर है उसको डिवीज़न ऑफ वर्क को किसी और तरीके से फॉलो कर रहा है, एक दूसरा मैनेजर है वो डिवीजन ऑफ वर्क को किसी और तरीके से फॉलो कर रहा है, मीन्स वो उनका क्या है, वो बिहेवियर है उनका। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है टोटली बिहेवियरल इन नेचर है, वो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ मैनेजर ही वर्क करेगा। क्लियर है? अगला पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या बोलता है बेटा, देखो नाम से पता चल रहा है कॉज एंड इफेक्ट, कि जो आपने काम किया ठीक है उसका इफेक्ट क्या निकल कर आएगा, ठीक है उसका कारण क्या है, क्यों आप काम कर रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसको ही आपस में हमेशा लिंक करता है। अगर मैं आपके एग्जांपल लूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है आपका एक प्रिंसिपल आपने बना लिया कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है हर एक बच्चे ने अपना एक बोलते टारगेट सेट कर लिया, क्या फिर सारे बच्चों के मार्क्स उतने बराबर आते कभी नहीं ना, किसी के 2 मार्क्स कम होंगे, किसी के 4 मार्क्स ज़्यादा होंगे, ऊपर नीचे मार्क्स होंगे ना, पर मेहनत तो सबने करी थी। तो हुआ क्या कि वहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, कि आपने जितना इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट निकल के सामने आया, ठीक है जो आपका कॉज था उसके अकॉर्डिंग आपका इफेक्ट निकल के आपका सामने आएगा। क्लियर है? अब कोई बच्चा दिन में 2 घंटे पढ़ रहा है, कोई बच्चा दिन में 4 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है, कोई बच्चा आधा घंटा पढ़ के ही बोलता है बस काफ़ी हो गया, तो जो उसका कॉज था उसका इफेक्ट उसका जो है एट द एंड देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो बेटा? तो यही हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कहता है। हाँ जी, अगला पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पिक्चर में देखो बेटा बहुत सारे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम डिटेल में अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है,
प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इन टू रियलिटी। ये जो मैनेजर्स होते हैं ना बेटा, जो ये प्रिंसिपल है, इनका मेन मतलब कि बोल दो कि इसका बेनिफिट क्या है इन प्रिंसिपल का, इनका जो ये प्रिंसिपल का मेन बेनिफिट होता है टू द मैनेजर्स कि हाउ टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू मैनेज द बिजनेस, है ना। तो ये उनके इनसाइट मतलब उनके इनर बिहेवियर के अंदर एक ऐसे इनसाइट प्रोवाइड कर देता है कि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, आप अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करो, और उनको क्या करो मैनेजरियल सिचुएशन में लेकर आओ, और अपने मैनेजमेंट को क्या करो उससे और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो, समझ रहे हो। मतलब उनको वो यूजफुल है उनकी इनसाइट के लिए, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, क्लियर है बेटा। सेकेंड पॉइंट, वेरी कॉमन पॉइंट इन बिजनेस स्टडीज़, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी इंस्टीट्यूशन, अगर किसी बिजनेस जो किसी भी प्रिंसिपल के जो सिद्धांत जो किसी भी प्रिंसिपल को प्रॉपरली फॉलो करता है, अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को, तो होगा क्या उसे, उसके जो जितने भी वर्क होंगे वो स्मूथली होंगे, जितना भी डिविजन टास्क होगा वो स्मूथली होगा, जितना भी उनकी जो टीम वर्क होगा वो स्मूथली होगा। तो अगर सारा काम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल स्मूथली होगा तो ऑब्वियसली बात है उनका जो रिसोर्सेज है वो क्या होगा, प्रॉपरली यूटिलाइज होगा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या बनेगी, इफेक्टिव बनेगी। अगर आप लोग ही लेके चलिए अपने ऊपर कि आपने एक टारगेट सेट किया कि मुझे 90% लेके आने हैं, 90% लेके आने के लिए उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे ना, उसके जो टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना। आपने बताया कि मैं हर रोज़ 2 घंटा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दूंगा या दूंगी, उससे क्या होगा कि आपने पूरे साल 2-2 घंटा हर रोज़ दिया, तो उससे होगा क्या कि आपके पास एट द एंड बर्डन नहीं रहेगा। आप क्या करोगे, एट द एंड जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े उनके पास बर्डन रहेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप स्मूथली उसको रन करेंगे, और आपका जो रिसोर्स जो आपने कलेक्ट किया अपने माइंड में वो आपके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा उसका, आप उसको ईजिली यूटिलाइज कर पाएंगे, और आपके पास इफेक्टिव तरीके होंगे आंसर्स देने के, क्यों, क्योंकि आपने उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा पहले, क्लियर है बेटा। साइंटिफिक डिसीजन, अब देखो हमने बात की थी कि साइंटिफिक डिसीजन कैसे हुआ, तो साइंस आया यहाँ पर कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, लॉजिकल बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, तो यहाँ पर भी तो वही पॉइंट आ रहा है, जो ये प्रिंसिपल हैं ये सिस्टमेटिक वे में बनाए गए हैं, ये नहीं है कि इनको किसी ने लिख दिया और ये प्रिंसिपल लागू हो गए, नहीं, इसके ऊपर पहले कुछ लॉजिक्स देखे गए, जो भी प्रिंसिपल अभी आगे हम पढ़ेंगे उसको, उसके बाद हुआ क्या, उन लॉजिक्स को हमने चेकआउट किया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया, उनको प्रॉपरली हमने देखा कि क्या ये प्रिंसिपल सच में काम वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या, हमने सारा का सारा प्रॉपरली एक सीक्वेंस के थ्रू इसको लेकर आए, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को क्रिएट की इसके अंदर हमने, तो हम बोल सकते हैं कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, साइंटिफिक इनडिसीजन है, कि ये आपको साइंटिफिकली आपको क्या करेंगे, आपको आपके नॉलेज को, आपके बिजनेस को क्या करेंगे, एनहांस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मैंने बोला था कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो क्या करते हैं अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अब प्रिंसिपल चेंज नहीं किए जाते, जो मैनेजर उनको मैनेज कर रहे हैं वो उनके प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कि जो हमारे पास सिचुएशन ये है तो इस सिचुएशन से हम कैसे डील करेंगे। तो वहाँ पर वही बोल रहा कि जो एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे, अपने प्रिंसिपल को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लियर है। अगला पॉइंट बोल रहे हैं फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं बेटा, उनका मेन फोकस सिर्फ वर्किंग मैनेजमेंट पे नहीं था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर नहीं था, उनका मेन फोकस एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई भी समस्या ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी ना आए, कोई भी उनके सामने ऑब्स्टेकल्स ना आए, क्यों, क्योंकि उन्होंने फोकस किया इक्विटी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, फेयर रेम्यूनरेशन के ऊपर, जो हम आगे अब भी पढ़ेंगे बेटा इसके प्रिंसिपल के अंडर, कि जो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको भी अच्छे तरीके से निभाते हैं, क्योंकि अगर आप इम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हो, ठीक है, अगर वुमेन है तो उनके लिए उनके बच्चों के लिए क्रेच वगैरह खोलने का प्रोविज़न दे रहे हो, ठीक है, आप इक्वलिटी लेके आ रहे हो, इक्विटी लेके आ रहे हो, तो उससे होगा क्या, उससे अल्टीमेटली आप सोशल जो गोल्स है उसको अचीव कर पा रहे हो। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से आप क्या कर पा रहे हो बेटा, आप अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये किसी भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, एक बेनिफिशियल पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब देखो बेटा जो प्रिंसिपल्स हैं
ये प्रिंसिपल डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल जो मैनेजर है या फिर इम्प्लॉई है या फिर जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो भी पर्सनल्स हैं जो लिंक करते हैं एक बिजनेस से, उनके ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशंस, उनके रिसर्च के ऊपर ही प्रॉपर फोकस करता है, ठीक है। उनको ये डे बाय डे या फिर बोलते हैं कि इंस्टेंटली या फिर सीक्वेंसिंग में उनको क्या प्रोवाइड करेगा कि आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है, उसके लिए काफ़ी सारे जो अपने रिसर्च टेक्निकल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और जो फ्यूचर मैनेजर शुड बी ट्रेंड, अब देखो बोल रहा ना कि फ्यूचर जो मैनेजमेंट है उसको ट्रेंड करना, जो भले एग्जिस्टिंग मैनेजर हो भले फ्यूचर मैनेजमेंट हो, उसको ट्रेंड करने का जो मेन फोकस कौन लेता है, ये प्रिंसिपल्स लेते हैं। क्लियर बेटा? हाँ जी। अभी तक हमने बात की बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, प्रिंसिपल्स क्या है, मैनेजमेंट में प्रिंसिपल का क्या रोल है, ठीक है, उसके बाद उसके फीचर्स, उसके नेचर, देन उसके सिग्निफिकेंस। अब हम बात करेंगे बेटा एक ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में, हेनरी फ्योल। देखो बेटा, हमें जो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो किसने प्रपोज किए, वो इवेल्युएट किसने किए, वो जनरेट कहाँ से हुए हैं, तो उनको जनरेट करने का जो मेन जो क्रेडिट जाता है वो किन को जाता है, हेनरी फ्योल को जाता है। तो बेटा ये पिक्चर है हेनरी फ्योल साहब की जो आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, हेनरी फ्योल जो सर हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले हम उनके एक डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला मैनेजमेंट के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने एक मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की आप बोलते हैं डेफिनेशन को इजीली तरीके से बता दिया इनका मानना क्या था। देखो जितना एक पर्सन जितना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, वो किसी भी चीज़ को उतने ही सिंपल तरीके से आपके सामने रखेगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हेनरी फ्योल, ठीक है, उन्होंने अपने जो भी बात थी उसको कितने सिंपल वे में रखा कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। मैनेज करना मतलब क्या, फोरकास्ट करना मतलब प्लानिंग करना, ठीक है ना। टू प्लान एंड टू ऑर्गेनाइज, फोरकास्ट कर लिया आपने, प्लान कर लिया, तो उसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको कमांड भी रखनी पड़ेगी, उसको कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप देख पा रहे हैं जो हमने फंक्शंस किए थे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उन सबको इन्होंने एक ही जो है अपनी लाइन के अंदर इन्होंने कंप्लीट कर दिया। प्लानिंग भी आ गया उसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग भी आ गया, कमांड मतलब डायरेक्टिंग भी आ गया, कोऑर्डिनेटिंग भी आ गया, कंट्रोलिंग भी आ गया, मतलब सारे वर्ड्स को इन्होंने सिंपल वे में शो कर दिया। हाँ जी, अब बात करते हैं हेनरी फ्योल्स के बैकग्राउंड के बारे में। तो हेनरी फ्योल जो थे उनका जन्म हुआ था इस्तानबुल टर्की में इन 1841। जो उनके फादर थे वो इंजीनियर थे एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ वर्क टू बिल्ड द गलाटा ब्रिज, विच ब्रिज द गोल्डन हॉर्न। जो उनकी फैमिली थी बेटा वो रिटर्न कर गई थी फ्रांस में, कब, 1847 में। और इन्होंने जो हेनरी फ्योर ने जो अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट किया था वो कहाँ से किया था, नेशनल स्कूल ऑफ माइंस इन सेंट एटर्ने इन 1860। बेटा ये तो क्या है कि आपको इस इनके बारे में पता होना ज़रूरी है कि इन्होंने, हमें ये तो पता होना बहुत ज़रूरी है कि हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल क्या हैं, पर वो 14 प्रिंसिपल जो हैं उनसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेनरी फ्योल कौन है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर है बेटा? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं ये कि आफ्टर ग्रेजुएशन क्या हुआ, ही वेंट टू वर्क एंड स्पेंड हिज एंटायर करियर एट माइनिंग कंपनी। एक माइनिंग कंपनी में उन्होंने अपना पूरा टाइम निकाल दिया, ठीक है, कॉमेंट्री फॉर चैम्बोल्ट डिकेजवेले। हाँ जी। उसके बाद ये उनके कंपनी का, माइनिंग कंपनी का नाम था बेटा। उसके बाद बोल रहा, इन 1890 द कंपनी वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन फ्रांस, रिगार्डेड एज अ वाइटल इंडस्ट्री। देखो बेटा 1890 में जो ये इंडस्ट्री जहाँ पर वो काम कर रहे थे वो वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन इंडस्ट्री बन चुकी थी, और उसको हम बोलते हैं वाइटल इंडस्ट्री थी, वो लीडिंग कंपनी बन चुकी थी उस टाइम पर। किसकी वजह से, ओनली ड्यू टू हेनरी फ्योल। इस कंपनी के अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी जो थी बेटा, इस कंपनी का दिवालिया निकल चुका था एक टाइम पर। दिवालिया निकलने के बाद जब जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने इस कंपनी को बंद करने का सोचा, तब हेनरी फ्योल ने इनिशिएटिव लिया और अपने जो प्रिंसिपल के बेस पर इस कंपनी को एक लीडिंग कंपनी बनाकर चले गए। हाँ जी। फ्योल बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1888। देखो बेटा 1888 में वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे इस कंपनी के, और 1819 में इस कंपनी की पहचान उन्होंने कहाँ तक पहुँचा दी थी। वेन द माइन कंपनी एम्प्लॉयड ओवर 10,000 एम्प्लॉइज सॉरी पीपल एंड हेल्ड दैट पोजिशन ओवर 30 ईयर टिल 1918। मतलब
उनके जो टाइम पर जो कंपनी का जो दिवालिया निकलने वाला था उस कंपनी को उन्होंने अगले 30 साल तक लीडिंग कंपनी बना के रखा 1918 तक, हालांकि उस टाइम तक वो नहीं थे। हाँ जी, एंड ही क्रेडिटेड विद सेविंग द कंपनी फ्रॉम बैंकरप्टसी। अब देखो, अब ही जो अब यहाँ मैंने पॉइंट बोला कि उन्होंने अपनी जो इस कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाया था, इस कंपनी की एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, पर इनके जो सिद्धांत थे, इनके जो प्रिंसिपल थे, उनके बेस पर इस कंपनी को बचाया गया। ठीक है, हाँ जी। अगला पॉइंट बोल रहा है, बेस्ड लार्जली ऑन हिज ओन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस ही डेवलप्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी को बचाने के लिए क्या किया वहाँ पर, कि मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के ऊपर एक डेवलपमेंट किया, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या जो कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका डेवलपमेंट किया इन्होंने और उसको इन्होंने इसमें इम्प्लीमेंट किया। बोल रहे इन 1960 ही पब्लिश्ड दिस एक्सपीरियंस इन द बुक। अब इनकी एक बुक भी आई थी, कौन सी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल ए जर्नल। एंड एट अबाउट द सेम टाइम एफ डब्ल्यू टेलर, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे अभी, अब जो फेडरिक विंस्लो टेलर जो थे उन्होंने भी अपने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को उस टाइम पर पब्लिश किया था। दोनों ने 1916 में ही अपनी जो बुक्स थी वो पब्लिश की थी। अभी बोल रहा है ही वॉज अ डायरेक्टर ऑफ माइन हु डेवलप अ जर्नल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फर्स्ट टाइम था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक जर्नल थ्योरी डेवलप की गई थी, किसके थ्रू, हेनरी फ्यूल के थ्रू। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए इनको क्या कहा कि ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर हैं टूवर्ड्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी, अब आप थोड़ा इनका करियर की बात कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं ड्यूरिंग हिज टाइम एट द माइन ही स्टडीड द कॉज प्रिवेंशन एंड फाइटनिंग ऑफ अंडरग्राउंड फायर एंड रेक्लामेशन बर्न माइनिंग एरियाज। उन्होंने जब जब वो उस टाइम जब माइनिंग में था तो उन्होंने चेकआउट किया, उनकी जो माइन थी वो काफ़ी मतलब कि बहुत बुरी कंडीशन में आ गई थी, वहाँ एक बार फायर आग लग गई थी, तो उसकी वजह से कंपनी में जो काफ़ी मतलब कि डिक्लेमेशन आया था, मतलब काफ़ी दिक्कतें आ गई थी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि कंपनी को बंद करना पड़ेगा। अब कंपनी को बंद करना था तो वो देखो उसके बाद क्या बोलते हैं, लेटर एज डायरेक्टर ही मेड चेंजेस टू इम्प्रूव वर्किंग सिचुएशन इन द माइंस। फिर उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया कि मैं इस कंपनी को आगे लेकर जाऊंगा, इस कंपनी को मैं दोबारा से रिबिल्ट करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इम्प्रूव किया वर्किंग सिचुएशंस इन माइंड। अब वर्किंग सिचुएशन उन्होंने अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें चेंज किया, अलाउिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क इन टीम। जो एम्प्लॉयज़ थे उनको टीम वर्क के ऊपर फोकस किया कि आप टीम वर्क करेंगे तो हम जल्दी इस जो कंडीशन से उभर के सामने आएंगे और हमारी कंपनी एक अच्छी कंपनी के तौर पर निकल के सामने आएगी। ब्रिंगिंग इन डिवीजन ऑफ लेबर एंड चेंजिंग ऑफ ड्यूटीज़। उन्होंने लेबर के डिवीज़न किया कि ये नहीं कि एक लेबर पर सारा काम थोप दिया जाएगा, डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए प्रॉपर और ड्यूटीज़ को रेगुलरली चेंज करना है। ये नहीं कि एक अगर एम्प्लॉय की नाइट ड्यूटी तो उस रेगुलर उसकी नाइट ड्यूटी रहेगी, ऐसा नहीं करना, नाइट ड्यूटी भी होनी चाहिए, डे ड्यूटी भी करेंगे। मतलब उन्होंने इस सबको इस सारी कंडीशन को सिचुएशन को समझा उस टाइम पर और उसको इम्प्लीमेंट किया। बोला इन 1888 ही वॉज परमिटेड टू MD। 1888 में वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे, हमने पहले ही पढ़ा था इसको। हाँ जी, इवेंचुअली द बोर्ड डायरेक्टर डिसाइडेड टू अबेंडन इट्स आयरन एंड स्टील बिजनेस एंड कोल माइन्स। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने क्या किया, इसको बंद करने का फैसला लिया। दे चोज हेनरी फ्यूल टू ओवरसी दिस एज अ न्यू MD। उन्होंने फिर हेनरी फ्यूल को ये जिम्मेदारी सौंपी। फिर बोल रहा अपॉन रिसीविंग द पोस्ट फ्यूल प्रेजेंटेड द बोर्ड विद द प्लान टू रिस्टोर द फर्म विच दे एक्सेप्टेड। अब देखो फ्यूल ने रिस्टोर करने की बात की, ये बोल नहीं हमें इस कंपनी को बंद नहीं करना है, इसको हम रिस्टोर करेंगे, इसको दोबारा से रिबिल्ट करेंगे। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने उसके जो व्यूज़ थे उनको एक्सेप्ट किया। हाँ जी, व्हेन ही रिटायर्स इन 1918 जब वो रिटायर हुए, द कंपनी वॉज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन यूरोप। समझ रहे बेटा, 1918 में जब वो रिटायर हुए थे उस टाइम पर जो कंपनी का दिवालिया निकल चुका था, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स के बेस पर, उनके जो सिद्धांत थे, जो 14 प्रिंसिपल बेटा हम जो पढ़ेंगे अभी, उनके बेस पर उन्होंने क्या किया, उस इंडस्ट्री को लार्जेस्ट इंडस्ट्री बनाकर रख दिया इन यूरोप। तो बेटा हम कह सकते हैं कि जो हेनरी फ्योल थे वो काफ़ी जाने माने जो इस फील्ड में जो इंसान थे, मतलब जिन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस किया। अब देखो बेटा जो काम था, जो वर्किंग कंडीशन थी, उन्होंने उसके ऊपर तो फोकस किया, पर उनका मेन फोकस क्या था कि मैनेजमेंट कैसे की जाए, कैसे हम
इन पूरी की पूरी कंडीशंस को मैनेज करें ताकि हम इस जो हमारी कंपनी जो दिवालिया निकलने वाला है उस कंडीशन से निकल करके एक अच्छी कंडीशन पे आ सकें, और उन्होंने वो कर दिखाया। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब हम बात करेंगे बेटा इसमें बिग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल की। तो बोला जा रहा है इसमें कि ही वॉज द फर्स्ट मैनेजमेंट थिंकर हु प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन हिज बुक। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया कि ही वॉज द फर्स्ट मैनेजमेंट थिंकर, पहले ही फर्स्ट टाइम जो मैनेजमेंट के ऊपर जो थिंक ओवर किया कि मैनेजमेंट के ऊपर भी अगर हम प्रॉपर फोकस करेंगे तो हम अपने बिजनेस को, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। बोला ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रिंसिपल ही वॉज राइटली ट्रीटेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे, उनकी जो थ्योरीज थी, उनके जो प्रिंसिपल थे, उनके बेस पर उनको क्या क्या ट्रीट किया जाने लगा, एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ये बेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉन्टेड द फॉर्मल एजुकेशन ऑफ मैनेजमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब उनका ये मतलब उस टाइम नज़रिया था कि अगर ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में समझाया जाएगा तो बच्चे इसको स्टार्टिंग से ही क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे, और आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो मैनेजरल स्किल थी वो काफ़ी अच्छे से स्किल उसको डेवलप हो पाएंगी। और आज वही हो रहा है बेटा, किसी भी जो बिजनेस स्कूल या बिजनेस कॉलेजेस के अंदर जाएंगे तो आपको मैनेजमेंट का टॉपिक बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, और आप अभी भी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। हाँ जी, अब आ रहा है फ्योलिज्म। अब फ्योलिज्म क्या बेटा, देखो बेस्ड लार्जली ऑन हिज ओन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। अब उसके जो खुद के मैनेजमेंट एक्सपीरियंस थे उसके बेस पर उन्होंने क्या किया, ही डेवलप हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं फ्योलिज्म के नाम से। उनके जो नाम था जो फ्योल, हेनरी फ्योल, तो फ्योल के नाम से फ्योलिज्म उनका कॉन्सेप्ट निकल कर आया। बोला फ्योल्स वर्क वाज वन ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। जो फ्योल वर्क था वो क्या था, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट थी बेटा, ध्यान देना चीज़, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया। ही प्रपोज दैट देयर वर फाइव प्राइमरी फंक्शन। उन्होंने क्या प्रपोज किया कि जो मैनेजमेंट के पांच प्राइमरी फंक्शन होंगे जो हम पहले पढ़ कर आए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांच बेटा जो फंक्शन है उनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि अगर हमने इन पांच चीज़ों को पकड़ कर ली अपनी अपने बिजनेस के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वी विल अचीव आवर टारगेट ईजिली। एंड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और अगला पॉइंट क्या है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो अब हम पढ़ने जाएंगे। अब हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज इवेल्युएशन। अगर हम मैनेज अगर एफ डब्ल्यू सॉरी हेनरी फ्योल को इवेल्युएट करें तो हमें क्या रिजल्ट निकलता है इसका, तो फ्योल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट थ्योरी इज सर्टेनली रिमार्केबल। बट कि जो ऑब्वियसली बात है, इन्होंने उस टाइम पर फर्स्ट टाइम जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया तो ये रिमार्केबल था अपने आप में। ही गेव ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड सजेस्टेड द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने क्या किया कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट निकाले, इन्होंने थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट निकाली, इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जनरेट किया, तो मतलब अपने आप में ये रिमार्केबल था। इन फैक्ट द 14 प्रिंसिपल आर द आउटकम ऑफ हिज लॉन्ग एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिसिंग मैनेजर। तो देखो बताया जा रहा है बेटा, जो 14 प्रिंसिपल थे इनके वो आउटकम तो थे इनके, पर किस बेस पर, लॉन्ग एक्सपीरियंस, मतलब उन्होंने इसको काफ़ी एक्सपीरियंस किया, काफ़ी इनके ऊपर स्टडी की, उसके बाद इन्होंने इन प्रिंसिपल्स को इवेलुएट किया। हाँ जी, अगला बोल रहा है ही आल्सो एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या स्टेप्स रहेंगे, टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या रहेगा, उसके नीचे कौन लोग काम करेंगे, उसके नीचे कौन लोग किस सिस्टम से काम करेंगे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, एक चार्ट के थ्रू इन्होंने उस चीज़ को भी समझाया। हाँ जी, लेकिन कुछ लिमिटेशन, देखो हमें पता बेटा कोई भी चीज़ हो जिसके बेनिफिट्स होंगे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस वहाँ पर उसके देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस हमें देखने को मिली इनके प्रिंसिपल्स में। वो क्या थी, इन्होंने मेनली जो स्ट्रेस किया ओनली ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग के ऊपर फोकस किया, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस नहीं किया कि प्रोडक्शन कैसे करना है, बस इन्होंने ऑर्गेनाइज किया मेनली मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया। हालांकि ये जो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज को हम लेके चले तो अगर प्रॉपर होगा तो प्रोडक्शन भी प्रॉपर हो पाएगा, पर अपने आप में फिर भी ये एक नेगेटिव पॉइंट था इनका। बोला थ्योरी बेस्ड ऑन इंट्यूशंस एंड ऑब्जर्वेशन रादर देन एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशंस। इन्होंने मतलब इन्वेस्टिगेशंस को ज़्यादा फोकस नहीं किया, इन्होंने अपनी खुद की जो ऑब्जर्वेशन थी उनको बेस बनाया, अपनी खुद की इंट्यूशंस को बेस बनाया और उसके बेस पर अपनी थ्योरीज को इन्होंने आगे शो किया, तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस को ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो ये इनका एक लिमिटेशन था। अगर हम बात करें टुडेज़ एनवायरमेंट,
आर मोर टर्बुलेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल। हमें पता कि आज का जो एनवायरनमेंट है बेटा बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कब बिजनेस के अंदर किस तरीके की कंडीशन आ जाए, किस टाइप की सिचुएशन आ जाए। तो उनसे लड़ने के लिए जो बहुत टाइम पहले जो इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे शायद वो कंफर्टेबल शायद ना हो पाए। हालांकि आज भी उनके प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, पर शायद वो इतने कंफर्टेबल नहीं है कि आज के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो फाइट कर सकें। बोल रहे हैं टू जर्नल फॉर टूडे टूडेज हायरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो इनके प्रिंसिपल थे वो बहुत सारे नॉर्मली जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर क्या है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए एक नई थ्योरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये इनकी जो जर्नल थ्योरी थी वो जर्नल जो 14 प्रिंसिपल्स की वो जर्नल जर्नल पड़ जाती है, नॉर्मल पड़ जाती है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आज भी इनकी थ्योरीज को काफ़ी यूज़ किया जाता है, उनको बेस माना जाता है। हाँ जी, अब हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे इनके, जो हमारे हेनरी फ्योल थे जिन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर इतना फोकस किया, थ्योरीज जनरेट की, प्रिंसिपल जनरेट किए, फंक्शन जनरेट किए, तो उनका कंक्लूजन एट द एंड क्या निकलता है देखिए बेटा। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल सुजेस्टेड बाई हिम आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई मॉडर्न अथॉरिटीज ऑन मैनेजमेंट एंड आर ट्रीटेड एज वैलिड इवन टू दिस डे। समझ रहे बेटा, मतलब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल थे वो सुजेस्टेड किए गए, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे, एवरीवेयर दिस प्रिंसिपल कैन बी एप्लीकेबल, है ना। और आज के दिन भी, मतलब आज के टाइम भी, आज के टाइम तक भी इनके प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। दिस इज बिकॉज दिस प्रिंसिपल आर प्रैक्टिकल इन नेचर। जो भी इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं, जो भी इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, वो प्रैक्टिकल हैं और आल्सो रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आप इनके जितने भी प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करते हैं प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में उनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो नो डाउट आपका रिजल्ट जो होगा वो आउटकम होगा आपका, वो बहुत गोल ओरिएंटेड होगा, वो आपके गोल के अकॉर्डिंग ही आएगा। दीज बेसिक प्रिंसिपल आर यूजली फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है बेटा, आज भी जो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए इन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हेनरी फ्योल थे उनके जो भी प्रिंसिपल थे, उनके जो भी फंक्शंस थे, उनके जो भी थ्योरीज थी, उन सबको हम आज भी अपने बिजनेस के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, और जिसके बेस पर बड़ी से बड़ी और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पा रही हैं। हाँ जी, अब पॉइंट आता है हाउ डू वी मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हमारे माइंड में एक दिमाग दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करें, तो हमारे सामने एक नाम जरूर आएगा, हेनरी फ्योल। और उनके नाम से कुछ पॉइंट हमारे सामने आएंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट वॉज डेवलप्ड बाय फ्योल। तो टोटली टोटल 14 प्रिंसिपल थे जो कि फ्योल, जो हेनरी फ्योल थे, उन्होंने डेवलप किए। तो इनको हम डिस्कस करेंगे बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में आपने बेटा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था उसका मीनिंग, उसका नेचर, उसका सिग्निफिकेंस, और ये जिन्होंने प्रपाउंड किया, जिन्होंने इसको डेरिवेट किया इस टर्म को, प्रिंसिपल्स को, ठीक है, वो कौन थे, हेनरी फ्योल। हमने उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा कि हेनरी फ्योल कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, किस कंपनी में उन्होंने काम किया, किस सिचुएशन में काम किया, और किस सिचुएशन में उन्होंने, जब वो रिटायर हुए तो वो कंपनी किस सिचुएशन में थी। तो वो सब किसकी वजह से हो पाया, उनके प्रिंसिपल्स की वजह से। तो उनके प्रिंसिपल क्या है बेटा, जो आपके सामने दिख रहे हैं, इन प्रिंसिपल्स को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।